बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने की उम्मीद थी, लेकिन बगैर विभाग बंटवारे के ही कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच विभागों के बंटवारों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री फडणवीस का गृह विभाग संभालना तय है। 2014 से 2019 के दौरान बीजेपी शिवसेना सरकार में मुख्यमंत्री रहने के दौरान फडणवीस गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभालते थे। वहीं सूत्रों की माने तो राजस्व विभाग को लेकर भी मामला फंसा हुआ है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री शिंदे अपने पास कौन सा विभाग रखेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शहरी विकास विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC संभाल सकते हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान शिंदे के पास लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास और MSRDC जैसे विभाग थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 40 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर कुल 18 विधायकों को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई थी। महाराष्ट्र में शपथ लेने वालों में बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, रविन्द्र चौहान, मंगल प्रभात, विजय कुमार गावित और अतुल सावे शामिल हैं। वहीं एकनाथ शिंदे खेमे से दादा भूसे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, तानाजी सावंत, संजय राठौर और संदीपन भूमरे ने शपथ ली थी। बता दें कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अन्य विधायकों के साथ मिलकर उद्धव सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। साथ ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। तभी से दोनों दो सदस्यीय कैबिनेट के रूप में काम कर रहे थे। कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर विपक्ष लगातार नई सरकार और बीजेपी की आलोचना कर रहा था।